नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज। पंचायत के विकास के सपने जब कोई राज्य का मुखिया देखता है तो उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होती है कि पंचायत की योजनाओं को धरातल पर जमीन पर उतारते हुए जनता की सेवा करना, जनता को सुविधा देना। और उसमें जो भाया होता है, जो मुख्य भूमिका होता है, वो है मुखिया, जिसका हम लगातार आपको 10 दिन से दरभंगा के मनीगाछी से लेकर के हनुमान नगर बहादुरपुर सब जगह का मुखिया को हम एक मौका देते हैं कि वो बोलने का, अनुभव बांटने का। हमारे साथ बहादुरपुर के मुखिया हैं नंदलाल ठाकुर जी, और नंदलाल ठाकुर जी के बारे में जानते हैं काफी ज्यादा। करे तेवर, धरना प्रदर्शन, जन समस्या को लेकर के, गरीब गुरबों को लेकर के वो प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन करते रहे। इनका जो जीवन है वो 8वीं क्लास से ही ये कम्युनिस्ट के विचारधारा से जुड़े हैं। उसके बाद वो 2 बार मुखिया रहे हैं और ये इस बार 3रा टर्म उनका मुखिया रहे। नंदलाल जी, आपका स्वागत है। नंदलाल जी, बहुत कटु अनुभव हुआ होगा जब पहली बार आप मुखिया बने होंगे। उस समय तो ज्यादा फंड भी सरकार नहीं दे रही थी जिस समय आप, अब तो फंड भी दे रही है। तो जब पहली बार मुखिया बने उस समय कैसा आपका अनुभव रहा, कैसा लगा आपको, क्या क्या आप काम कर पा रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो 2001 में हम सरकारी नौकरी, पंचायत सेवक का नौकरी को रिजाइन करके, और लोगों का जो आकांक्षा था, अपेक्षा था जो आप मुखिया बने, तो हमने पंचायत सेवक का नौकरी को रिजाइन करके लोगों के वोट के जरिए काफ़ी मतों से हम जीत हासिल किए और 2001 में भी मुखिया रहे। 2001 से लेकर 2005 तक मुखिया रहे। फिर 5 के बाद 2 टर्म जो है वो आरक्षित सीट हो गया। तो पहले बार जो मुखिया रहे उस समय आपको क्या लगा, कितना काम कर पाएगा, बहुत कुछ जानने में ही समय लग गया? नहीं, हमको जानने में समय नहीं लगा। मूल चीज था जो मुखिया का जो स्वतंत्रता होनी चाहिए। मुखिया जैसे पहला बार हम मुखिया बने तो गरीबों को, अब जैसे इंदिरा आवास देना है हमको, तो हम मुखिया लोग तय करते थे आम सभा के जरिए जो किन गरीबों को देना है। हम एक सूची बनाते थे और सूची बना के उसको प्रखंड कार्यालय में शिविर लगाते थे और तमाम पदाधिकारियों को आमंत्रित करते थे, और उस शिविर में जो है लाभुकों को हम जो है सो चेक देने का काम करते थे। तो ग्राम सभा खत्म हो गई। अब ग्राम सभा है, अभी भी है, लेकिन अधिकार के मामला में आप किसी को इंदिरा आवास देना है तो उसका पहले सूची तैयार होता है, और सूची तैयार जो होता है जो उसका जो इंदिरा आवास सहायक है और प्रखंड प्रशासनिक स्तर से उसका सूची तैयार होता है। जबकि सूची होना चाहिए मुखिया आधारित सूची, लेकिन इस सरकार ने व्यवस्था करके उसको अब क्या कर दिया, सूची तैयार होगा जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री आवास प्रतीक्षा सूची। तो अभी जैसे 640 लोगों को हम अपने कार्यकाल में जो है इंदिरा आवास देने का काम किए, तो 640 लोगों को इंदिरा आवास देने का काम पूरे पंचायत में किए। तो उसमें हुआ क्या, जब मैंने आवास सहायक के साथ खुद गया, देखा भी जो किन लोगों को गरीब है, कौन अमीर है, तो जो लोग लेने वाले हैं, जो लोग नहीं लेने वाले हैं, तो उसमें आवास सहायक के साथ साथ हम भी घूमे, जहां तक हमको समय मिला हम पूरा घूमे हैं। तो अभी तक 640 लोगों को इंदिरा आवास आपको मिल गया। बहादुरपुर गांव में एक भी व्यक्ति का इंदिरा आवास में नाम नहीं था, जबकि बहादुरपुर में भी गरीब परिवार के लोग रहते हैं। सिर्फ था रामपुर गांव से लेके देकरी गांव तक, जिसको हमने 5 साल में पूरा कर दिए। अब कोई कोटा बचा हुआ नहीं है। फिर हम लोगों ने सर, अब देखिए सिस्टम को देखिए, जो उसमें नाम जुड़वाने के लिए, उसको प्रतीक्षा सूची में आने के लिए उसका माने साइबर खुलता है, जो कभी खुलता है, नेट सिस्टम जिसको कहते हैं, वो कभी खुलेगा, कब खुलेगा ये भी जनप्रतिनिधि को पता नहीं रहता है। और एक बार हालांकि कुछ खुला, कुछ लोगों का नाम भी ऐड किया, हम चाहते हैं जो और भी 500-600 अच्छा, लोगों का नाम जुड़े, हम उसको इंदिरा आवास का नाम देते हैं। आप मुखिया में सबसे अलग हैं, अलग इसलिए कि आप मुखिया भी हैं, और कई ऐसे गांवों में प्रखंड मुख्यालय पर जब धरना प्रदर्शन करते हैं उसी गरीब गुरबा के लिए करते हैं जो आपके भी पंचायत में रहते हैं, तो आपकी सोच अलग अलग हो जाती है, या सोच वही रहती है कि यहाँ भी मुखिया हम हैं तो जो दूसरा मुखिया गरीबों को नहीं मदद कर रहा है, दूसरा आदमी करता, उस समय लड़ाई लड़ना और अपने पंचायत में लड़ाई लड़ना? नहीं, हम लोग जैसे दूसरा पंचायत के मुखिया भी है तो उनका सिर्फ काम रहता है मुखियागिरी करना, जबकि मुखिया जो है
सरकार कहता है जो आप भी सरकार के विंग है, लेकिन हम लोग का कहना है जो ये सरकार का विंग जो है हम नहीं है, हम है जनता का विंग है। हम जनता की समस्या को लेके हम आंदोलन करते हैं, जनता की समस्या को लेके हम प्रदर्शन करते हैं। जनता तो आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी समस्या आप सुन लेते हैं, हम सुनते हैं उनको, जहाँ तक पूरा करने का काम होते हैं हम जो प्रशासन से लड़ के उसकी समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। अच्छा नंदलाल जी, कहा जाता है कि कम्युनिस्ट बेस जहाँ पर मुखिया होता है उस क्षेत्र का विकास कम होता है, इसका कारण ये है कि आप लोग जल्दी कमीशन के लिए जाते नहीं हैं, आप लोग किसी अधिकारी के आगे पीछे ज्यादा करते नहीं हैं, आप हमेशा धरना प्रदर्शन कर कभी प्रखंड में ताला मारते हैं तो कभी किसी कार्यालय में ताला मारते हैं, तो इससे लोग डरे समय रहते हैं, इससे विकास ही ना हो तो जब लेन देन ही होगा। कमीशन का खेल आपको लगता है कि प्रखंड बहादुरपुर प्रखंड में कमीशन का खेल होता है? देखिए ये कमीशन खोरी जो कहिएगा तो आप जैसे कहे ना जो कम्युनिस्ट बेल्ट में माने काम कम होता है, ये बात गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं। हमारे पास में अभी वो पैसा सरकार दे तो हम और भी ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत को आप जब तक स्वतंत्र नहीं बनाइएगा, ग्राम पंचायत जो है से निर्णय ले, तीन सभा होता है, ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा, तो कानून बनाने का अधिकार जो है सो ग्राम सभा को भी है, विधानसभा को भी है और लोकसभा को भी है, तो उसमें और भी अधिकार जो है सरकार को देने की जरूरत है जिससे वो कानून बना सके। और जनता का जो आकांक्षा है तो मेरा कहना है जो जनता के आकांक्षा के आधार पर सरकार उसको पूरा करे। आप मुखिया के इस बार भी प्रबल दावेदार है, आपको लग रहा होगा कि बहुत सा काम ऐसा है जो प्रशासनिक लापरवाही की वजह से या कुछ कभी कभी आपकी भी चूक हो रही होगी, तो आपने कौन कौन सा काम आपको अब लग रहा है कि जनता को बताएगा कि हम कौन कौन सा काम बाकी है जिसको हम कर सकते हैं? देखिए एक बात है, जैसे शिक्षा का मामला है तो शिक्षा का मामला है तो एक हाई स्कूल का जो निर्माण करने के लिए हम लोग राम जानकी पोखरी जो है दुपरी में हाई स्कूल निर्माण करने के लिए हम लोग वहाँ पर जमीन उपलब्ध है, रूम भी चदरा का बनवाए थे, अब उसको प्रशासनिक उदासीनता के कारण हाई स्कूल का निर्माण जो होना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक वो लड़ेंगे कैसे, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ होना चाहिए, तो वो एक हाई स्कूल वाला काम हम समझते हैं पेंडिंग है। और समझिए हम लोग के समय में 2001 में जो है लोक शिक्षक का बहाली किए थे और कई छोटा छोटा स्कूल खोले थे, जैसे मिर्जापुर में गोसलावर गाँव है, वहाँ चिंतावनपुर में, बहादुरपुर के करपुरी आश्रम में पासवान टोली के नाम से स्कूल था, सारे विद्यालय को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है एक दूसरे में, मर्ज जो गांव टोली पर थे रेवेन्यू विलेज के आधार पर विद्यालय थे उसको मर्ज करके एक में शिफ्ट कर दिया है, तो मेरा मानना है जो उसको अलग अलग रहेगा तब ज्यादा से ज्यादा बच्चे को पढ़ेंगे। अच्छा, कोरोना काल में आप बहादुरपुर में भी क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था तो आपने कितना मदद किया, और यहाँ के बहादुरपुर की जनता को जो बाहर से भी आए थे उसको, क्योंकि ये अभी चुनाव में मुद्दा भी बना हुआ है, मुखिया जी ने नहीं देखा, मुखिया जी ने काम नहीं किया। देखिए हमको इस बात का खुशी है जो आपने अच्छा प्रश्न किया, कोरोना काल में हमने पूरे पंचायत में सबसे पहले पूरे पंचायत में जब ये कोरोना का दस्तक हुआ हम लोगों ने पार्टी के जरिए चंदा चुटकी करके 200 परिवार को, ज्यादा नहीं 200 परिवार को आटा चावल दाल सब्जी सोयाबीन माने तरह तरह के कड़वा तेल प्याज आलू ये सब जो है 200 परिवार को देने का काम किए, वो कोई सरकारी फंड से नहीं, हम लोगों ने व्यक्तिगत चंदा करके पार्टी की ओर से चंदा करके हम लोगों ने दिया, पहला काम। दूसरा चीज हम लोगों ने किया जो पूरे पंचायत में चूना पटवाए छिटवाए, और उस समय 30-30 मार्क्स जो है सो हम सब वार्ड मेंबर को दिए, फिर सरकार जो है सो निर्णय निकाला जो नहीं प्रत्येक वार्ड में जो है सो आप जो है सो मास्क का वितरण कीजिए और जो है सैनिटाइजर का व्यवस्था कीजिए, तो हम अपने 9-10 दिन जो है रह के और पूरे 17 वार्ड में हम अपने घूम घूम के गली गली जो है नली नली सैनिटाइज करवाए, और जितना वार्ड मेंबर सबको मीटिंग किए ट्रेंडम और कहा कितना मास्क है कितना साबुन लगेगा, तो उस समय पहले पहले हम सब दिए थे एक एक साबुन 10 रुपया का सब वार्ड मेंबर को, 200 साबुन दिए थे, मेरे पास रिसीविंग है और सबका फोटो भी है, फिर बाद में सरकार कहा जैसे 2 साबुन देना है तो फिर एक एक साबुन दिए, और जितना परिवार का मार्क्स है एक परिवार में जैसे 5 है उस सूची वार्ड मेंबर दिया, उतना परिवार को हम लोगों ने 17 वार्ड में जो है
सो मास्क साबुन सैनिटाइज करवाए, उसके बाद जो है आपको जो है सो चूना ब्लीचिंग पाउडर करवाए, और इतना ही नहीं ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ जो है अपने से मॉनिटरिंग करके उतना जो है सो घूम घूम के ही किए, और कोरोना काल में भी हम लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किए। अच्छा। क्योंकि मानवता का पहला परिचय है कम्युनिस्ट पार्टी में लोगों की सेवा करना। अच्छा नंदलाल जी, अब तो समय आ गया है, अब एक नया नियम भी आ गया है, मुखिया को अपना जो है सो पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, आय का ब्यौरा कि कितना उन्होंने 5 साल में कमाया, ये नया जो है कि उनको देना पड़ेगा। पहले विधानसभा में होता था, जो चुनाव लड़ते थे उनको होता था, लेकिन अब मुखिया को देना पड़े। इसलिए कई मुखिया की नींदें उड़ गई हैं कि उन्होंने कई संपत्ति अपने पत्नी के नाम से, कई परिवार के नाम से, वो सबका ब्यौरा देना पड़ेगा। देखिए सरकार ब्यौरा दे, हम तो चाहते हैं मुखिया का ब्यौरा होना चाहिए, तमाम मुखिया सब अपना अपना परिवार का। अच्छा है कि जो दूसरा मुखिया केवल कमाता है, जो कि काम नहीं करता, उसको अच्छा होगा कि वो कैसे देगा? आप लोग तो लड़ते भी रहे हैं ऐसे लोगों के। देखिए हम लोग को कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया को, खास के हम लोग के जो पार्टी के मुखिया है, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए परेशानी नहीं है। जो हम लोग तो चाहते हैं लोगों को, आप देख रहे हैं जो यहाँ बैठे हुए भी हम लोग का पूर्वज है, हम लोग तो बैंक का फोटो कॉपी करवा के उसमें लगा देंगे, पत्नी का लगवा देंगे, बच्चे का लगवा देंगे। हम चाहेंगे जो सारा तमाम जो लोग है सो वो अपना अपना जो है सो ये दे, ये इसीलिए दे क्योंकि ये देना भी जरूरी है। लोग अपना आय व्यय नहीं देगा तो जनता समझेगा क्या? लोग तो देखते हैं जो मुखिया गिरी से लोग जो है स्कॉर्पियो पन्ना चिन्ना जो है सो आराम का चीज है वो। अच्छा अंतिम संदेश मुखिया जी, आप बहादुरपुर की जनता को इस बार चुनाव के लिए क्या दें, क्योंकि हम सभी को कहें देखिए हमारी इस खबर को, बहादुरपुर पंचायत में ये खबर जाएगी, और अपने विश्लेषण कीजिए कि मुखिया जी ने वास्तव में जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत। आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? हम अंतिम संदेश ये देना चाहते हैं जो हमारे पंचायत के जो मतदाता है, उस मतदाता से हम अपील करना चाहते हैं जो हमने मुखिया काल में जो हम आपको पहले भी बताए हैं, जो हम सबसे बड़ी चीज है 200 के एवं में हम गली नदी रोड बनवाए हैं, 11 से 17 तक जल मीनार, पानी का जल मीनार पंचायत फंड से लगवाए हैं, कई चबूतरा बना है, कई जगह जो है आपका रिमोडलिंग पंचायत भवन बनवा दिए हैं, और इसके साथ साथ विद्यालय शिक्षण संस्थान पर हम विशेष ध्यान दिए हैं। और तीसरी बात है जो पंचायत में जो कमीशन खोरी था उस पर हम मजबूती से लगाम लगाए हैं। तो हम चाहते हैं जो अगर हमको फिर मौका मिलेगा, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया थे तब भी नहीं थे तैयो हम लोग जनता का काम 24 घंटा करते रहते हैं, 365 दिन जनता के बुनियादी सवाल को लेकर सड़क पर थे, सड़क पर है, सड़क पर रहेंगे। यही है नंदलाल ठाकुर का जीवन, क्योंकि ये मुखिया रहे न रहे जनता के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करते, उनकी जो जायज मांग है उसे लेकर के प्रखंड के अधिकारियों से लड़ते रहे, ये आप भी जानते हैं, बहादुरपुर की जनता भी जानती है। लेकिन मुखिया के रूप में जो 5 साल का कार्यकाल है, अब लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर मुखिया जी ने किसी को तेज से बोल दिया, मुखिया जी ने किसी की बात नहीं सुनी, मुखिया जी कभी फोन नहीं उठाया, मुखिया जी के दरवाजे पर गए तो मुखिया जी मिले नहीं, बाहर घूम रहे हैं, तो ऐसे मुखिया को लोग इस बार वंचित रहना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि ऐसा मुखिया हो जो जरूरत पड़ने पर उनके लिए 12 बजे रात में भी प्रखंड से लेकर के थाने से लेकर के कार्य कर सके, उनकी मदद कर सके, उनको बचा सके। ऐसे ही मुखिया उनके लिए हम, क्योंकि जनता को पैसा नहीं चाहिए, जनता को चाहिए सुरक्षा और सुविधा, जो एक सक्षम मुखिया ही दे सकते हैं। दिल पर हाथ रखिए, आंख बंद करिए, वो चेहरा आपके सामने आ जाएगा सभी प्रत्याशियों के बीच में, और ऐसे ही प्रत्याशी पर अपनी मुहर लगाएंगे। देखते रहे मिथिला मोजिक पर, YouTube में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम रखते हैं आपको अपडेट। धन्यवाद।